अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन, एम्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इन स्टैटिस्टिक्स। आज का ये हमारा टॉपिक है। तो हमने चूंकि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, इन टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं या अपने किसी सेकेंड यूट्यूबर से या अपने टीचर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। आज का हमारा टॉपिक ये है, लेक्चर नंबर 14 है, डेफिनेशन, एम्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो लेक्चर नंबर 15 होगा उसमें हम टेबुलेशन एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उससे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर नंबर 16 को, पार्ट्स ऑफ टेबल को। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमें डाटा का होना पता होना चाहिए कि डाटा कहते किसे हैं। अगर हमें डाटा का पता है तो बहुत गुड है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। ये छोटी सी फैक्ट, कलेक्शन ऑफ फिगर्स एंड फैक्ट्स, यानी कि किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कलेक्शन को हम डाटा कहते हैं। तो आइए अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास। द प्रोसेस इन विच अ लार्ज डाटा इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस आर ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा केस जिसमें हम लार्ज डाटा को हाँ वो किसी भी हवाले से हो, जानवरों के हवाले से हो, इंसानों के हवाले से हो, परिंदों के हवाले से हो, या वो स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पास है इकोनॉमिक्स के हवाले से हो, किसी भी तरह का डाटा को जब हम मुख्तलिफ क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह में देखें, नाम से शोर है क्लासिफिकेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा डाटा है उसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है अपनी आसानी के लिए, तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके मिसाल ले लेते हैं, मिसाल किस तरह। अब चूंकि जो COVID-19 चल रहा है पूरे मुल्क में, तो हमारे मुल्क में इस्लामी जो मेरे पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में भी, हमारे वतन अजीज में भी कोरोना की जो लहर वो चल रही है, तो अब जो हम रात को खबरें सुनते हैं या दिन को सुनते हैं 9 PM की जब हम खबरें सुनते हैं, तो उसमें बताया जाता था कि सुबह सिंध से इतने हैं, सुबह KPK से इतने हैं, सुबह बलोचिस्तान से इतने हैं, गिलगित बल्तिस्तान से इतने हैं, आज़ाद कश्मीर से इतने हैं, और सुबह पंजाब से इतने इतने केसेस आए हैं। तो क्या है ये लार्ज डाटा, इस लार्ज डाटा को हमने अपने ग्रुप्स में, क्लासेस में डिवाइड कर दिया अपनी आसानी के लिए। ओके, तो लास्ट पे टोटल कह दिया जाता है कि इतने आज पाकिस्तान में टोटल इतने केसेस हुए हैं, इसी तरह इंडिया में भी ऐसे ही उसका किताब होता है। अब हम एम्स देखते हैं कि मकासद, इस क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। फर्स्ट देखें, टू रिड्यूस द लार्ज डाटा इनटू इजीली अंडरस्टूड समरी, यानी कि जो हमारे पास लार्ज डाटा होता है उसको हम अपनी आसानी के लिए, यानी कि लार्ज डाटा को हम रिड्यूस, छोटा कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल दे दी कोरोना की। अगर हम इसकी एक और एग्जाम्पल लेना चाहें कि जो हमारे पास, हाँ, क्रिकेट मैच जो PSL होता है या IPL होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास लार्ज डाटा होता है, इसमें खिलाड़ियों कहाँ कहाँ से हैं, उनका ताल्लुक कहाँ कहाँ से है, वो कैसे आए हैं, किस टीम में हैं, उनके कोच क्या हैं, क्या क्या सकता है, कितने पैसे लेते हैं, तो उनकी यानी कि ट्रेनिंग कैसी हो रही है, खेलते कैसे हैं। तो ये लार्ज डाटा, इस लार्ज डाटा को हम मुख्तलिफ क्लासेस, मुख्तलिफ ग्रुप्स में बनाकर हम लोगों के अवाम के सामने प्रेजेंट कर देते हैं डाटा को, कि ये हमारे पास ये टीम है, हम ये ऐसे करेंगे, हम ऐसा करते थे, अब हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या है, लार्ज डाटा को हमने अपनी आसानी के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे क्लासेस, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। अब टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, इसका मतलब क्या है कि जो लार्ज डाटा है, जाहिर बात उसमें कुछ सिमिलरिटी भी होती है और कुछ डिसिमिलरिटी भी होती है। इसका मतलब है क्या है कि जो जो लार्ज डाटा होता है हमारे पास, लार्ज डाटा होता है उस सिमिलरिटी, यानी कि जो लोग, अगर हम इसकी IPL या PSL की बात करें, इसमें कुछ टीमों का टीम के अंदर या कुछ टीमों का आपस में, या एक मुल्क दूसरे मुल्क की टीम के साथ क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप होते हैं, कुछ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, कुछ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। ओके,
तो ये क्या है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, कि ये लार्ज डाटा है, इस लार्ज डाटा को हम जब क्लासेस या ग्रुप्स में या पीसीज में डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इस टीम का इस टीम के साथ नहीं बन रही अच्छे तल्लुक नहीं बन रहे, इस टीम के साथ अच्छा तल्लुक बन रहे हैं, इस मुल्क के साथ तल्लुक अच्छा नहीं हो रहा। अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो कहेंगे इसके दरमियान जो ट्रेडिंग है तजारत है वो अब अच्छी नहीं रही है, ना पहले थी, कभी कभी अच्छी हो जाती कभी कभी अच्छी नहीं होती है। तो ये क्या है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी। इस तमाम या कि लार्ज डाटा है उसको पहले हम क्लासेस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर ये सिमिलरिटी है, अब इससे ऐसे इसके असुतलुकात हैं ऐसे नहीं हैं। आगे थर्ड पॉइंट देखें, टू रिमूव अननेसेसरी डाटा, क्योंकि हमारे पास डाटा लार्ज होता है, खवा वो कोरोना के हवाले से हो या एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ या मुल्क का अपने अंदर सूबों के दरमियान हो या सूबों का अंदर डिवीज़न के दरमियान हो या डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट के दरमियान हो या डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसीलों के दरमियान हो या तहसील के अंदर कौंसल यूनियन कौंसल के दरमियान हो। क्या है ये कि जो हमारे पास अननेसेसरी डाटा होता है, जो डाटा तो कलेक्ट होता है बहुत बड़ा लार्ज, जारी बात जहाँ इतने आदमी होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छे कुछ ना कुछ बुरे कुछ ना कुछ यहाँ के बेफुल फालतू बातें करते रहते हैं, कोई बेमकसद बातें करते, तो क्या कि हर जगह कोई ना कोई अननेसेसरी बात होती है, अननेसेसरी डाटा होता है। तो हम क्लासिफिकेशन करके ग्रुप्स डिवाइड उनको ग्रुप्स में उनको क्लासेस में डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये अननेसेसरी, इसको दफ़ा कर पाए, इसको बाहर निकालते हैं, ये हमारे लिए काम की बात नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखें एम का, वो है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है कि जो लार्ज डाटा होता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि इस हमारे लार्ज डाटा में ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये अहम कुछ एस्पेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जो मिसाल ले रहे हैं IPL और PSL की, तो अगर PSL की बात करें इसमें भी ये बता दिया जाता है कि इस टीम में ये जो खिलाड़ी है वो अच्छी बॉलिंग करता है, ये खिलाड़ी अच्छा खेलता है, ये खिलाड़ी अच्छी यानी कि बॉलिंग मैनेजमेंट इसकी अच्छी है, ये इसको कोचिंग की मैनेजमेंट होना चाहिए, इसको खिलाड़ी होना चाहिए, इसको प्लेयर होना चाहिए, ये ऐसा करता है, इसकी यानी कि किसी न किसी कोई में कोई ना कोई खासियत होती है। तो जो टीम होती है वो अपने यानी कि डाटा में लिख देती है कि सबसे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट खिलाड़ी वो ये है, हमारे पास सबसे जो अच्छी बॉलिंग करता है हमारे पास ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं, ये है। ओके, तो अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना में ये बता दिया था कि मुल्क के वतन अजीज पाकिस्तान के इस हिस्से में कोरोना की लहर ज़्यादा है, इस हिस्से में कम लहर, तो ये क्या हाईलाइट कर देते हैं क्लासिफिकेट करके, तो ये किसकी मुकासद है। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की। बेसिक प्रिंसिपल में पहले देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि जो प्रिंसिपल है ये नहीं बताता कि इसमें ये नहीं होता कि जो लार्ज डाटा होता है वो एक अंदर के आपस में गुथम गुथा एक आपस में ही एक दूसरे के अंदर ही ओवरलैप हुए होते हैं। कि अब इसकी एक मिसाल लेते हैं, मिसाल के इसको क्वेश्चन है, अगर हम बात करें कि कोरोना की बात कर लेते हैं, अगर कोरोना में जो हमारे पास पंजाब है सिंध है KPK बलोचिस्तान, अगर हम बात करें KPK और पंजाब की, तो इसमें ये नहीं होता, इसके प्रिंसिपल में ये नहीं होता कि जो पंजाब का कुछ डाटा KPK में चला जाए कोरोना के केस में और KPK का कुछ डाटा पंजाब में आइए, ये म्यूचुअली यानी कि ओवरलैपिंग इसमें नहीं होती है। एक्सेसिव डाटा होता तो है लेकिन इसका ये प्रिंसिपल नहीं होता कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हो जाए, कि एक दूसरे के अंदर ही ओवरलैप जा कर जाए, एक दूसरे के अंदर ही यानी कि घुल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। और सेकंड पॉइंट है इंक्लूसिव, कि जो डाटा पंजाब का है कोरोना के वाले से वो पंजाब का ही रहेगा, इसके अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि चलो जी पंजाब में अगर हम बात करेंगे इसके लाहौर है, साहिवाल है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद, अगर हम गुजरांवाला की बात कर लेते हैं तो गुजरांवाला में कुछ जो मेन शहर होते हैं अगर उनकी कोरोना वायरस की जो पता लगा लिया जाए कि इसमें जो इस शहर में इतने केस हैं, इस शहर में इतने केस हैं, तो जो गांव देहात होते हैं, गोड्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर यहाँ की नहीं इतनी तरजीह दी जाती, वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं गिनती की जाती, तो ऐसा नहीं होता इसमें, इसका प्रिंसिपल नहीं होता क्लासिफिकेशन हमेशा हर एक छोटी छोटी चीज़ को क्लासीफाई करता है, ग्रुप में लाकर डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये
में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का ये मतलब है कि इसमें एक्सेसिव का ये मतलब नहीं है कि एक का डाटा दूसरे में डाटा जाए, यहाँ के गुजरांवाला का लाहौर के साथ और लाहौर का डाटा गुजरांवाला के साथ आए, ओके कि अगर 50 थे इसके केस, इसके 60 केस थे, तो ये नहीं है कि इसके कुछ इसमें आ जाए तो ये 55 में, ये भी 55 हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके अब देखें कन्वेंशनल थर्ड पॉइंट, कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन शुड बी अडॉप्टेड। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास डाटा है, लार्ज डाटा है, उसको हम इजी वे में एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे आवाम है, पब्लिक है, वो आसानी से समझ सकें। ओके अब देखें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो हमारी उर्दू है वो सरकार यानी कि कौमी ज़बान है, तो अगर हम जो कोविड 19 के जो केसेज हों उसको इंग्लिश में यानी कि पब्लिश कर देंगे तो कुछ तो जो पढ़े लिखे होंगे वो तो समझ आएंगे, बल्कि वो भी नहीं पढ़ते हैं, बस मोटी मोटी बातें पढ़ते हैं, वो भी इतफा कर देते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो पता नहीं की बला लिखी जो छोटो ना, ये ऐसी बात होती है। तो जो होता है ना इसका क्लासिफिकेशन का ये, इसका ये पर्पज़ नहीं होता, प्रिंसिपल नहीं होता, बल्कि इसमें हर इजी कुछ ना कोई ऐसा मैटर वे यूज़ किया जाता है कि हर से छोटे छोटे आदमी को या आम से आम इंसान को भी समझ में आ सके। अब है एलिब्रेट एंड क्यूरियड। अब इसमें क्या है एलिब्रेट और ये इसमें क्या है इजी वे, मानना इजी वे था। ओके इसमें क्या है एवरीथिंग इंक्लूड होती है इसमें। ओके इसका है ओवरलैप, डू नॉट ओवरलैप। ओके अब एलोब्रेट और क्लूड का मतलब है कि जो डाटा है हमारे पास अब उसको इतना लार्ज भी करके नहीं दिखाना कि लोग यानी कि जो मेरे पास जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं या जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इतना ही लार्ज हो जाए, या उस डाटा को हम उतना इतना ही काम ना कर दें कि उसको हमें पढ़ने की भी नहीं, पढ़ना ही ना आए, पढ़ना में दुश्वारी पेश आए, या हमें प्रोजेक्ट को कंक्लूड तक लाने के लिए, रिजल्ट तक लाने के लिए हमें दुश्वारी का सामना करना पड़े। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास डाटा इतना है, अगर हम डाटा को यानी कि इतना नहीं कर सकते और ना ही इसी डाटा को हम इतना कर सकते हैं, बल्कि एक पैमाना मेंटेनिंग दरमियाना स्केल करना है ताकि हमें भी आसानी हो और जिसको हम अब डाटा पेश करने जा रहे हैं उन लोगों को भी, उन ऑफिसर्स को भी सामने का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, और अगर आपने लोगों ने अभी तक हमारा अभी चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकअल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।